अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 के जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स इनमें क्या क्या चीज कॉमन है। तो बच्चों सबसे पहले तो जो हमारे पास चाहे कोई भी वेव हो वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, दोनों वेव्स ही एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। तो सबसे पहली जो कॉमन चीज है इनमें, वैसे तो इनमें बहुत सारी कॉमन चीजें हैं लेकिन हमें दो तीन ही बयान करनी है। तो सबसे पहली जो कॉमन चीज है यहां पर वो है कि ये एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। उसके बाद बच्चों वेव कोई भी हो, आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है तो उसकी ऑसिलेशन से वेव प्रोड्यूस होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर तरह की वेव, यानी कि चाहे ये अपना ट्रांसफर वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या कंप्रेशनल वेव है, मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, समथिंग इज वेविंग बिहाइंड द वेव। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वेव कर रहा होता है, जो ऑसिलेट कर रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ वेव्स प्रोड्यूस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ सम पार्टिकल्स। ठीक है, तो बोथ वेव्स प्रोड्यूस ड्यू टू ऑसिलेशंस। अच्छा, एक तो ये कॉमन बात हो गई है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है उनकी दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स भी होती हैं और कंप्रेशन भी होती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सिर्फ ट्रांसफर होती हैं। तो इस सेंस में कि ट्रांसवर्स वेव और कंप्रेशन वेव दोनों मैकेनिकल हो सकती हैं, तो दोनों इस तरह से भी कॉमन है कि मैकेनिकल वेव के अंदर ट्रांसवर्स वेव भी मौजूद होती हैं और कंप्रेशन भी, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स होती हैं। तो इस सेंस में भी कि कंप्रेशनल और ट्रांसवर्स दोनों ही मैकेनिकल हो सकती हैं, तो ये भी एक कॉमन चीज है इन दोनों के दरमियान। अब हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है, हमें यहां पर 5 वेव नोट दिए हुए हैं, 5 डिफरेंट किस्म के नोट है हमारे पास या 5 डिफरेंट किस्म की वेव्स है हमारे पास, और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए इनमें सबसे लाउडेस्ट नोट कौन सा है। तो बच्चों ये देखें, लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो इन सब में बताएं एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा लग रहा है आपको। तो ये जो डी वाली है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बाकी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये जो डी वाली है इसकी लाउडनेस भी दूसरों से ज्यादा है। फिर हमसे पूछा गया है कि बताइए इन सारे नोट्स में से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी ज्यादा तब होती है जब ये पीक्स एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। अब यहां पर देखें, यहां पर पीक्स जो है वो दूर दूर हैं, यहां पर भी पीक्स दूर दूर हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर पीक्स जो है एक दूसरे के करीब करीब है। तो पीक्स जितनी करीब होंगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये जो बी वाला है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इज इट पॉसिबल फॉर 2 आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव। बच्चों ये क्या ये पॉसिबल है कि दो वेव्स हो और वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, तो क्या वो स्टेशनरी वेव बना सकती हैं। हमने पढ़ा है कि स्टेशनरी वेव उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब दो वेव इस तरह से इंटरफेयर करें कि उनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। तो सेम डायरेक्शन में जाकर कभी भी स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, तो इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, अ वेव इज प्रोड्यूस अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बट सम ऑफ इट्स पार्टिकल परमानेंटली शोज जीरो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज दिस। तो बच्चों ये देखें, हमारे पास एक वेव है, एक स्ट्रिंग के अंदर ये वेव हमने प्रोड्यूस की है, ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में एक वेव हमने प्रोड्यूस की है, लेकिन ये वेव इस तरह की है कि इस वेव के कुछ पार्ट्स हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। देखें यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो है। तो बच्चों इस तरह की वेव को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव, ठीक है। और वो पॉइंट्स जहां पर वेव प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है उन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स। बच्चों ये पॉइंट्स क्या हैं, नोड्स हैं। तो ये कौन सी वेव है जी, ये है स्टेशनरी वेव। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जी वो हमसे पूछा गया है कि आप क्रस्ट, ट्रफ, नोड और एंटी नोड की डेफिनेशन करें। तो ये हमारे पास बना ही हुआ है। बच्चों ये देखें, हमने कहा कि नोड्स
स्टेशनरी वेव के वो पोर्शंस होते हैं जहां पर पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और एंटी नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर वेव प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये देखें, यहां पर इन पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स एंटी नोड है, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है ये पॉइंट्स क्या है, नोड्स हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं। तो बच्चों एक वेव के अंदर हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट है जिसको हम पीक भी बोलते हैं। इस पीक पर जो वेव प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे चला जाता है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट या पीक। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वैली या ट्रफ। तो ये जो वैली या ट्रफ होता है यहां पर भी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम होता है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। यहां पर अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहां पर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ये हो गए जी क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटी नोड। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी साउंड सॉलिड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सॉलिड्स के अंदर साउंड की स्पीड ज्यादा क्यों होती है एज कंपेयर टू गैसेस। बच्चों वेव आपको पता है वेव क्या है, जब एक वेव प्रोड्यूस होती है मैकेनिकल वेव की अगर आप बात करें, आप बात करें अगर साउंड वेव की, तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। इस वेव में क्या होता है कि पार्टिकल्स तो अपनी जगह पे रहते हुए ऑसिलेट करते रहते हैं लेकिन इनर्जी को आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। इस इनर्जी और मोमेंटम का आगे ट्रांसफर होते रहना ही वेव है, ठीक है। अभी आप यहां पर सॉलिड की और गैसेस की हम मिसाल लेते हैं। बच्चों सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज, और गैसेस में जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी फार अवे, दूर दूर होते हैं। सॉलिड में जब एटम एक दूसरे के करीब होते हैं, सॉलिड की आपको पता है डेंसिटी भी ज्यादा होती है और सॉलिड का जो इलास्टिसिटी है, यानी कि सॉलिड का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, सॉलिड ज्यादा इलास्टिक होते हैं गैसेस की निस्बत, और डेंसिटी भी सॉलिड की ही ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन डेंसिटी के मुकाबले में जो इलास्टिसिटी है सॉलिड की वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहां पर देखें, अगर यहां पर कोई वेव आएगी, यहां पर कोई वेव आएगी, सपोज कर लें यहां पर अगर कोई वेव आएगी तो ये एटम जो है ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा अगले एटम को और वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। बच्चों ये एनर्जी का ट्रांसफर जितना रैपिड होगा, जितना तेज होगा, वेव उतनी जल्दी प्रोपेगेट करेगी। और यहां देखिए गैसेस में एटम्स बहुत दूर दूर हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होने में ज्यादा टाइम लेती है, इसलिए साउंड वेव गैसेस में स्पीड उनकी कम होती है लेकिन सॉलिड में ज्यादा होती है। इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। तो मैथमेटिकली जो स्पीड ऑफ साउंड है ये बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो यहां पर भी सॉलिड लिख रहे और यहां पर भी सॉलिड लिख रहे, और अगर आप गैसेस की बात करें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैसेस। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें इनको, तो हमारे पास आएगा ई फॉर सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी फॉर सॉलिड इज इक्वल टू ई फॉर, सॉरी को हमें कंपेयर करना है ई फॉर गैसेस डिवाइडेड बाय डेंसिटी फॉर गैसेस। बच्चों इन दोनों वैल्यूज को अगर डिवाइड करें तो इनका जो आंसर है वो इन वैल्यूज के आंसर के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा आता है। उसकी वजह यह है कि ये जो डेंसिटी है, सॉरी ये जो इलास्टिसिटी है मॉडल की, सॉलिड की, हमने कहा कि सॉलिड ज्यादा इलास्टिक होते हैं, ये इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकी डेंसिटी के, इसलिए इस फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए। तो हमने इसको इसका कॉन्सेप्ट भी देखा कि क्यों सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है और गैसेस में कम होती है, फिर हमने इसको मैथमेटिकली भी देख लिया, क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ बीट्स आर यूजफुल
इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने में बीट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बच्चों हमें पता है कि बीट्स प्रोड्यूस्ड कैसे होते हैं. बीट्स हमेशा प्रोड्यूस होते हैं जब दो साउंड्स मिलते हैं, दो ऐसे साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है. अब ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप एक हमारे पास फर्ज करेंगे कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मसलन गिटार ही है. उस म्यूजिकल वो खराब है, उसमें कोई डिफेक्ट है. और एक हमारे पास बिल्कुल वैसा ही एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्कुल ठीक है. अब जब दोनों को एक साथ आप बजाएंगे, इफ दे विल साउंड इट टुगेदर, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट होगा. जो खराब वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी और जो सही वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी. लेकिन दोनों से जब साउंड निकलेंगी तो बीट्स प्रोड्यूस करेंगे, हमें पता चल जाएगा. तो फिर हम क्या करेंगे, जो खराब वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट करेंगे, उसको हम कम करेंगे या ज्यादा करेंगे और फिर दोबारा बजाएंगे. यानी कि हमने उनको इस तरह एडजस्ट करना है खराब वाले की फ्रीक्वेंसी को कि उसको सही वाले की फ्रीक्वेंसी के साथ जब बजाया जाए तो कोई बीट प्रोड्यूस ना हो. जब बीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो खराब वाला होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी सही वाले की फ्रीक्वेंसी के बराबर आ चुकी होगी. तो इस तरह जो डिफेक्ट वाला इंस्ट्रूमेंट था वो भी ठीक हो जाएगा. क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, वो कहते हैं कि एक साउंड सोर्स को, ठीक है, हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. एक साउंड सोर्स है, एक ऐसी चीज है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, और एक ऑब्जर्वर है जो साउंड को सुन रहा है. दोनों को कैसे मूव करना चाहिए कि डॉपलर इफेक्ट जो है, डॉपलर इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो. यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो ऑब्जर्वर तक वही पहुंचे जो ओरिजिनल है, फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, यानी कि डॉपलर इफेक्ट ना हो. अच्छा, हमने देखा था कि डॉपलर इफेक्ट तभी होता है जब सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन होता है. अगर ये रिलेटिव मोशन आप खत्म कर दें तो फिर आपको डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी साउंड की. तो ये रिलेटिव मोशन कैसे खत्म किया जा सकता है? या तो यूं खत्म किया जा सकता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही रेस्ट पे हों, या दोनों मूव कर रहे हों लेकिन एक साथ मूव कर रहे हों, एक जैसी स्पीड के साथ मूव कर रहे हों और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, तो रिलेटिव मोशन जीरो होगा. जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड भी चेंज नहीं होगा. तो इसके साथ ही हमारे चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.